पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल देर शाम नंदीग्राम में अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि 4-5 लोगों ने उनके ऊपर हमला किया। ममता बनर्जी के पांव, हाथ, गर्दन और कंधे में गहरी चोट आई है। वहीं कुछ लोग इसे हादसा भी बता रहे हैं। इस बीच प्रशासनिक स्तर पर भी इस मामले की जांच शुरू हो गई है। चूंकि ममता बनर्जी एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है। ऐसे में 4-5 लोगों का उन पर हमला करना, उन्हें धक्का देना और भाग जाना कोई सहज बात नहीं है। ऐसे में यह मामला बेहद गंभीर सुरक्षा चूक का हो जाता है। बता दें कि ममता बुधवार को नंदीग्राम विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया था और जब चुनाव प्रचार कर रही थी तब उसी दौरान यह घटना घटी। इस घटना के बाद ममता ने कहा कि 4-5 लोग उनकी कार के पास आए और दरवाजे पर धक्का मारा। সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইঞ্জুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম, ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন, আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো, তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং টিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইবে। वहीं जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ मुख्यमंत्री ममता को देखने के लिए SKAM हॉस्पिटल पहुंचे तो तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने वापस जाओ के नारे लगाए। वहीं बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने घटना को लेकर ममता के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि यह सहानुभूति बटोरने के लिए एक नाटक है। ममता के खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी ने भी सवाल उठाया कि जब ममता बनर्जी को चोट लगी तो सुरक्षाकर्मी कहाँ थे और लोग उनके इतने करीब कैसे आ गए। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसा है ममता बनर्जी का सुरक्षा का बंदोबस्त। मुख्यमंत्री की जेड प्लस सुरक्षा में कुल 18 गाड़ियां रहती हैं। इसमें 4 पायलट कार, एडवांस सिक्योरिटी कार में DSP स्तर के अधिकारी होते हैं, फिर एडवांस पायलट कार होती है, इसमें भी जिला पुलिस के सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं। इसके बाद फिर पायलट कार होती है, इसमें भी जिला पुलिस के सब इंस्पेक्टर होते हैं, फिर डायरेक्ट ऑफ सिक्योरिटी की गाड़ी रहती है और फिर VIP कार होती है। इसके बाद स्कॉट 1 और स्कॉट 2, फिर जैमर और फिर स्पेयर VIP कार, ताकि अगर मुख्यमंत्री की गाड़ी खराब हो जाए तो इस कार का इस्तेमाल करें। इसके पीछे प्रधान सुरक्षा कर्मी की गाड़ी रहती है, फिर 3 स्कॉट कार, स्कॉट कार के पीछे फिर इंटरसेप्शन की 2 गाड़ियां होती हैं और फिर महिला पुलिस और एम्बुलेंस होती है। एम्बुलेंस के बाद फिर 3 और सुरक्षा कर्मी की गाड़ियां, टेल कार और सबसे अंत में स्पेयर इंटरसेप्शन कार होती है। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी ऐसा हमला होना एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।